शेयर करूं और अपने बात के शुरू करूं। पहले तो सभी चीजें जो प्रत्याशियों को या उनके समर्थकों को बहुत बहुत बधाई। और आज हेलो।
एक बार वॉइस का कंफर्म कर दीजिएगा, ऑडियो क्या क्लियरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो आई थिंक वॉइस क्लियर है, तो हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखा था कि उसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन से उसमें सेगमेंट है, सेक्शन क्या क्या है उसमें। तो पहला ही जो यूनिट था वो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट है, टीचिंग के जो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या उसमें लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, उन सारी चीज़ों पर बेस्ड था। तो उसी पहली चैप्टर को, पहले सेगमेंट को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं। सी, पेपर का नाम ही ऐसे, कल मैंने बताया था कि पेपर का नाम जनरल पेपर ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि ये एग्जाम ही आप जो आपकी टीचिंग की एलिजिबिलिटी के लिए एग्जाम है। तो ये एग्जाम में अगर आप खाली नेट क्लियर कर रहे हैं तो वो एक टीचिंग की एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। तो उसके लिए आपका जो एप्टीट्यूड है वो टीचिंग के लायक है या नहीं है, इस चीज के लिए आपकी जो टीचिंग की स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, उसको चेक करने के लिए बहुत ही बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है। नाउ पहले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, पहली चीज टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट के बारे में कि टीचिंग है क्या। बहुत सिंपल वर्ड्स में टीचिंग प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को कोई भी चीज, कोई इंस्ट्रक्शन देता है या कोई भी चीज बताता है, तो वही टीचिंग है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं है, कि प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचेस और इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कोई चीज इंस्ट्रक्ट करता है या बताता है तो वो टीचिंग है। अब ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल टीचिंग जैसे कि हम क्लास में टीचर से पढ़ते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक फॉर्मल टीचिंग यहाँ पे प्लेस हो रही है। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए इस क्लास से जुड़े हुए हैं और उसी टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये फॉर्मल टीचिंग के उदाहरण है जिसमें आप टीचर से या प्रोफेसर से या फैकल्टी से पढ़ते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग क्या है, ये आपकी फैमिली या कम्युनिटी में शुरू से ही, आपके बर्थ के बाद से ही ये शुरू हो जाता है। तो जो भी सोसाइटी से, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड से आप जो चीजें सीखते हैं वो इनफॉर्मल टीचिंग है। उसमें कोई, आप एक चीज सीखने के लिए कोई क्लास अटेंड नहीं करते या किसी भी चीज के लिए कोई एक पर्टिकुलर क्लास या कोई सेशन नहीं होता, वो बस आप रैंडमली सीखते हैं, तो उसे इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं। होम स्कूलिंग भी उसी का नाम है। तो कई बार क्वेश्चन में वो होम स्कूलिंग के लिए आपसे पूछ देगा कि होम स्कूलिंग इनमें से, इन दो में से किसे रेफर करता है, इनफॉर्मल टीचिंग को या फॉर्मल टीचिंग को। तो होम स्कूलिंग इनफॉर्मल टीचिंग से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सेम ये एक चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ पे हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो ये मैंने दोनों मीडियम में ही स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम का यूज़ कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद हिंदी मीडियम की स्लाइड भी है, तो आप जिस भी मीडियम को हो, जब मैं बाद में ये पीडीएफ आगे अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ पे से आप अपनी सुविधा के हिसाब से ये पीडीएफ देख सकते हैं। सो थोड़ा सा और डीप में देखने के लिए टीचिंग के इस कॉन्सेप्ट को कि टीचिंग क्या है, टीचिंग एक तरह का बहुत देखा जाए तो एक डायरेक्शन में किसी एक सेट ऑब्जेक्टिव के साथ, कोई हमारा एक इंटेंडेड रिजल्ट होता है जिस रिजल्ट के लिए हम एक सेट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो वही टीचिंग है। टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग के प्रोसेस में जो भी डायरेक्शन टीचर, आप जिस डायरेक्शन में टीचर आपको लेके जाता है, वो प्रोसेस पूरी टीचिंग है। इसी तरह सेकेंड डेफिनेशन कि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाई टीचर। फॉर सपोज कि कोई एग्जाम्पल मैं आपको, कोई जैसे टीचर हमारे क्लास में हमको कोई एक्टिविटी कराते हैं, कोई डिस्कशन करवाते हैं, कोई डिबेट होता है, या आपको होमवर्क मिला, या फिर आपको रीडिंग लगवाई क्लास में, तो वो सारी चीजें क्या हैं, वो सब आपके लिए एक तरह का एक्सपीरियंस है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है, और उसके थ्रू आप में एक परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ये टोटली परमानेंट नहीं बोला, ये एब्सोल्यूट परमानेंट चेंज नहीं है, बट रिलेटिवली एक परमानेंट चेंज आपके अंदर आता है, किसी भी स्टूडेंट के अंदर आता है जब वो उस प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो टीचिंग उसी तरह की शिक्षण, शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके अलावा ये
एक स्किलफुल एप्लीकेशन है नॉलेज का, एक्सपीरियंस का और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेटअप एन एनवायरमेंट टू फैसिलिट लर्निंग। तो किसी भी तरह की लर्निंग के लिए, किसी भी चीज को सिखाने के लिए नॉलेज, उस नॉलेज का एप्लीकेशन किस तरह से उसे अप्लाई किया जा सकता है, उस एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस और बाकी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स उससे क्या रिलेटेड है, तो इन सब चीजों को मिला के जब हम कोई एक प्रोसेस में बैठते हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू सेटअप एन एनवायरमेंट जिसमें कि आप लर्निंग कर रहे होते हैं, तो वो टीचिंग होती है। तो टीचिंग के दौरान आप क्या कर रहे हैं कि अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को आप कोई भी चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन टीचिंग ये प्लान्ड एक्टिविटी है। इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, हाउ क्लियरली द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड हाउ एक्यूरेटली लर्निंग कैन बी मेजर्ड। तो ये एक तरह का प्लान्ड एक्टिविटी है। जब मैं आपको, हमने प्री प्लान किया है ये लेक्चर, हमने ऑलरेडी बात की थी कि हम 9 बजे एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो ये क्या था, ये एक तरह का प्लान्ड एक्टिविटी था। अब इसकी सक्सेस, ये कितना टीचिंग है, ये लेक्चर कितना इफेक्टिव होता है, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। सबसे पहली बात कि क्या आपको वो चीज समझ में आई जो यहाँ से समझाई गई। तो कितना क्लियरली आपको वो चीजें समझ में आई जो यहाँ से समझाने की कोशिश की गई, और दूसरी बात कि उन चीजों को हम क्या किसी तरह से मेजर कर सकते हैं। तो फॉर सपोज एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ से आज टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पहला लेसन पढ़ाया। अब इसके बाद इसको मेजर करने के लिए मैं कुछ PYQs या कुछ कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और क्या आप उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो 2 चीजें इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी होती है कि पहली बात कि क्या आप वो चीजें समझ पा रहे हैं जो आपको समझने की जरूरत है, जो इस लेसन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, और दूसरी बात क्या उस चीज को मेजर किया जा सकता है। जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं या फाइनल टेस्ट होते हैं, वो किस लिए होते हैं, टोटली उस चीज को मेजर करने के लिए जो चीज थ्रू आउट द ईयर आपको समझाई गई है। लास्ट पॉइंट है कि टीचिंग एक प्रोसेस है इन विच द लर्नर या फिर टीचर और बाकी सारे अदर वेरिएबल्स, इन अदर वेरिएबल्स को हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है, जिसमें करिकुलम आता है, जिसमें एनवायरमेंट आता है। तो ये सारे वेरिएबल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस तरह से कि वो एक प्री डिटरमाइंड गोल्स को अटेन कर सके। तो मैंने पहले भी कहा कि अगर हम ये सेशन कर रहे हैं तो हमारा एक ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड गोल है कि आज हमें टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो पहला चैप्टर है उसको समझना है। तो ये हमारा गोल है। अब इस गोल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में हमने टीचिंग का जो ये सेशन है ये ऑर्गेनाइज किया है। तो टीचिंग यही है, ये प्रोसेस है जिसमें लर्नर जो कि अभी आप हैं और टीचर जो कि अभी मैं हूं, और बाकी सारे अदर वेरिएबल्स जैसे कि हमारा ये PPT हो गई, ये सारी चीजें इस सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज है कि हम एक प्री डिटरमाइंड गोल को अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो गोल है ये टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर को समझना। तो ये बेसिक था टीचिंग एप्टीट्यूड का कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की नहीं है। डायरेक्टली इससे कोई इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बेसिक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये चीज आपके सामने थी। नाउ टीचिंग डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट फॉर सपोज कोई लेक्चर के थ्रू, जैसे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर दे रहा हूँ, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन या कोई प्रैक्टिकल के थ्रू आपको कोई चीज दिखाई जाए, तो उसमें फेस इंट्रैक्शन होता है। ये फेस इंट्रैक्शन ना भी हो तो भी केवल PPTs के माध्यम से जो डायरेक्ट एक पर्पसफुली जो टीचिंग की जाती है वो डायरेक्ट टीचिंग हो गई। इसके अलावा इनडायरेक्ट टीचिंग भी हो सकती है, जैसे कि प्रोजेक्ट। सपोज मैंने आपको घर के लिए कोई होमवर्क दे दिया, कोई असाइनमेंट दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो वो इनडायरेक्ट टीचिंग होती है क्योंकि वहां पे आप खुद से ही उस चीज में इन्वॉल्व होके सीखते हैं, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट टीचिंग है। इसके अलावा टीचिंग वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टीचिंग क्या है, सपोज हम अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेसन पढ़ रहे हैं तो इस चीज में अगर हम बहुत ज्यादा डीप जाते रहे तो वो होगा वर्टिकल टीचिंग। कोई भी एक टॉपिक पे, किसी भी तरह का कोई भी एक टॉपिक जिस पे आप बहुत ज्यादा डीप जाएं, उसको बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वो वर्टिकल टीचिंग होता है। और इसके अपोजिट जब आप एक टॉपिक को डीप पढ़ने की बजाय नहीं, बहुत सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल टीचिंग होती है या वो हॉरिजॉन्टल लर्निंग होती है। तो वर्टिकल टीचिंग और हॉरिजॉन्टल टीचिंग क्या है, वर्टिकल टीचिंग
जिसमें टीचर आपको किसी एक टॉपिक के बारे में ही बहुत डीपली बता रहा है, उसकी बहुत उसकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस कर रहा है। हॉरिजॉन्टल टीचिंग क्या है? जब आप किसी स्टूडेंट के साथ कोई भी टॉपिक को, या कोई भी नहीं बल्कि बहुत सारे टॉपिक को हल्का हल्का सा डिस्कस करते हैं, तो इससे आपका जो बेस है वो बढ़ता है। तो टीचिंग डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, टीचिंग वर्टिकल वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और साथ ही टीचिंग प्लांट भी हो सकती है और अनप्लांट टीचिंग भी हो सकती है। प्लांट टीचिंग जिसमें कि जैसे कि ये हमारा ये सेशन है, तो इसमें ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शन प्लान किए गए हैं मेरे के द्वारा, मैंने ये पीपीटी तैयार की है, मैंने इसमें क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो ये सब क्या था, ये एक प्लांट टीचिंग थी क्योंकि मैंने पहले से ही इसके लिए प्लान किया हुआ है कि ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अनप्लांट टीचिंग भी होती है जिसमें बहुत ही एक्टिव लर्निंग मेथड्स यूज होते हैं। इनसे मतलब कि कोई भी रैंडमली कोई भी मैंने तैयारी नहीं की थी, बट किसी तरीके से, जैसे कि जो आउटडोर टीचिंग होती है वो इन्हीं का एक तरह एग्जाम्पल है जो कि अनप्लान टीचिंग होती है। नाउ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इसी बीच में एक और चीज कि अगर पूरे सेशन के थ्रू आउट आपको कोई भी चीज समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक जहां पर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड हमारा जो चीज है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग आपको ये समझने के लिए जरूरी है कि आप जो आगे टीचिंग एप्टीट्यूड में और भी ज्यादा जो हायर लेवल पे चीजें पढ़ेंगे, उन चीजों के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। वहां से कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन बनते हैं और पहले भी बनते आए हैं। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, कोई भी चीज, कोई हम चीज करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप अगर ये लेसन आपने ज्वाइन किया है तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार करना है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का लेसन तैयार करना है, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आपको जो नेट का फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई करना है। तो आपकी किसी भी कोई भी आप टास्क कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। सेम वे में टीचिंग भी एक टास्क है, ये भी एक प्रोसेस है और इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो किसी भी स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है उसमें एक तरह का डिजायर्ड चेंज आना, डिजायर्ड चेंज इसने लिखा, डिजायर्ड वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंज किसी भी तरह के आ सकते हैं, बट आप ये आपने ये डिसाइड आपने करना है कि आप किस तरह के चेंज लाना चाहते हैं। आप वो चेंज ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं एज अ टीचर, वो बात की बात है, बट आपका टीचिंग की प्रोसेस में जो आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं वो क्या होता है कि आप एक डिजायर चेंज किसी भी स्टूडेंट के एटीट्यूड में ला पाए जो भी आपके अंडर स्टूडेंट है। दूसरा शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, किसी भी स्टूडेंट के कंडक्ट और बिहेवियर को शेप करना जो आपको राइट वे लगता है बिहेवियर का, उस राइट वे में उस चीज को शेप करना, ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव है। नॉलेज का एक्विजिशन, सिंपल सी बात है, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए। फोर्थ चीज लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, थ्रू आउट द टीचिंग हम धीरे धीरे जो लर्निंग स्किल्स हैं उन पे भी काम करते हैं। किसी भी स्टूडेंट की जब लेवल ऑफ टीचिंग देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से हम अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लर्निंग स्किल्स पे भी काम करना है कि धीरे धीरे वो अपने पास बहुत सारी इसे वो सीख सकता है। देन फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, किसी भी चीज आइडिया, किसी चीज का आइडिया, किसी चीज के बिलीफ के फॉर्मेशन के लिए हम टीचिंग हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। एंड देन बिकम अ सोशल एंड इफिशियंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, देन जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव या आफ्टर ऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सोसाइटी को वो कहीं ना कहीं किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सके। ये थे जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपकी टीचिंग के प्रोसेस के दौरान होते हैं, वो होता है टू डेवलप क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। कोई भी चीज अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप उसके बारे में पढ़ाते हैं कि आप उस चीज को क्यों पढ़ा रहे हैं, वो चीज अगर सही है तो किस मायने में सही है, और अगर उसके कुछ कॉन्स हैं, अगर उसमें कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं तो वो उसके ड्रॉबैक्स किस तरह के, तो आप उसको क्रिटिकल वे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि आप स्टूडेंट के अंदर एक तरह का क्रिटिकल और एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें ताकि जब भी वो कोई चीज पढ़े या सुने तो उसके बारे में बहुत सारे एंगल से, बहुत सारे डायमेंशन से वो सोच सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टडी। उस चीज में फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आप
किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उस चीज में उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना, ये हमारा दूसरा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये पहले ही वाले ऑब्जेक्टिव के साथ ही जुड़ा है, किसी भी चीज के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, और वो अंडरस्टैंडिंग तब बनती है जब हम उसको लॉजिकली और क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हैं। और अगेन लास्ट जो है वो है डेवलप ऑफ नॉलेज, नॉलेज डेवलप करना। नाउ इसमें दो चीजें, एक तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ये अलग चीज है, डेवलप ऑफ नॉलेज अलग चीज है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में आप एक तरह का इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, आपने कोई चीज पढ़ी, आपने उसको याद कर लिया। डेवलप ऑफ नॉलेज है जब आपने तीन चार चीजें पढ़ी और उससे आपने कोई एक नई चीज सीखी, उस चीज को मिला के आपने कोई एक नया आइडिया सिंथेसाइज किया, तो वो होता है डेवलप ऑफ नॉलेज। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे टीचिंग के, और इससे पहले हमने पढ़े जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव तो जरूरी है, नेट के सिलेबस में के हिसाब से ब्लूम का और गेंगे एंड ब्रिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरह के ही मेन क्लासिफिकेशन इन ऑब्जेक्टिव्स के हैं। अगर हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस पे वैसे बहुत ज्यादा काम हुआ है, बट तो दो मेन पेपर थे, वो एक ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी और एक गेंगे एंड ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन था ऑब्जेक्टिव्स का, कि क्या क्या टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस तरह से उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है। इसी को अब हम आगे थोड़ा सा और ज्यादा विस्तार में देखेंगे। सो अगेन ये हिंदी की स्लाइड है, जो ऑब्जेक्टिव्स आगे लिखे थे वही मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं। अभी तक अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए। सी डिजायर्ड चेंज का मतलब कि सपोज आप चाहते हैं कि आप, हम जब इनिशियल लेवल पर होते हैं, जब हम अपने अर्लिंग स्कूलिंग में होते हैं, तो हमें मोरल साइंस पढ़ाया जाता है। मोरल साइंस में हमें पढ़ाया जाता है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या हमें किस तरह से नमस्ते करना चाहिए बड़ों के सामने, या ये सारी चीज जो हमें मोरल लेसन पढ़ाए जाते हैं वो क्यों है, क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर्स चाहता है कि वो स्टूडेंट के अंदर वो सारे मैनर्स हों, तो एक तरह से उसके द्वारा वो डिजायर चेंजेस लाने की कोशिश की गई है। या यहाँ पे टीचर ही ने इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल टीचिंग में भी अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज सिखाते हैं कि क्या करना सही है, क्या करना चाहिए, तो वो एक डिजायर चेंज है जो वो आपके अंदर लाना चाहते हैं, आपके एटीट्यूड में लाना चाहते हैं। तो वही पहला ऑब्जेक्टिव था इस टीचिंग का, पहला जनरल ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी चेंज जो आपके एटीट्यूड में, जो आपके बिहेवियर में टीचर या कोई भी व्यक्ति जो आपको कुछ सिखा रहा है वो लाने की कोशिश करता है, तो वो डिजायर्ड चेंज है। यही ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर मैं आपको अभी टीचिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको ये, मैं आपके चाह रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आए। या सपोज हम ये नेट का पेपर वन में कल हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था, तो वो क्यों किया था, मैंने आपको बताया कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या करना चाहा, मैंने आपके जो पढ़ने का तरीका है उसमें एक तरह का चेंज लाना चाहा। हो सकता है अभी तक आप केवल थ्योरेटिकल सिलेबस कंप्लीट करते हो, आप पीवाईक्यूज को रिवाइज ना करते हो, या प्रैक्टिस क्वेश्चन को ना कंप्लीट करते हो, तो मैंने आपके पढ़ने के तरीके में एक चेंज लाना चाहा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था, तो वही डिजायर्ड चेंज है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। हिंदी में भी यही सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई है, कि कोई छात्रों का जो दृष्टिकोण है उसमें कोई एक वांछित परिवर्तन, आई मीन डिजायर चेंज लाना, देन आपके व्यवहार और आचरण को शेप देना, ज्ञान हासिल करना, छात्रों का जो लर्निंग स्किल्स है, सीखने का जो कौशल है उसमें सुधार करना, देन समाज का एक सामाजिक और कुशल सदस्य बनना, ये सारे टीचिंग के ही ऑब्जेक्टिव है। थ्रू आउट द लाइफ जो भी आप सीखते हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यही ऑब्जेक्टिव अपने फुलफिल कर रही होती है। नाउ टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के मैंने आपको कहा कि दो क्लासिफिकेशन है, एक ब्लूम का क्लासिफिकेशन है, दूसरा गेंगे और ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम ब्लूम का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी इसे कहते हैं, हो सकता है कई बार वो ब्लूम्स का क्लासिफिकेशन ना कहकर सीधे सीधे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कह दे। टैक्सोनॉमी का मतलब वही होता है कि
किसी भी चीज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड करना। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइज तरीके से डिवाइड कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। अब जो ब्लूम का क्लासिफिकेशन है या टैक्सोनॉमी है, उसमें वो जो टीचिंग है, टीचिंग की जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी चीजें बताई जाती हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी चीजें फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है, उसको वो कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिसिटी के हिसाब से तीन मॉडल्स में फिट करने की कोशिश करते हैं। तीन उन्होंने अपने क्लासिफाई किए हैं हायरार्कल मॉडल, जिनका नाम है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो इनके ही अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से मतलब कि टीचिंग के दौरान जो भी चीज आपको इंस्ट्रक्शन टीचर दे रहा है, या आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, उन इंस्ट्रक्शन का अगेन कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। वो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं इन्हीं तीन डोमेन के अंदर फॉल होते हैं। यही ब्लूम का क्लासिफिकेशन था। तीन डोमेन क्या है? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। नाउ इन तीनों को अगर हम जानने की कोशिश करें, तो कॉग्निटिव डोमेन बहुत ही कोर लेवल का जो बेसिक डोमेन है, वो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, नॉलेज बेस्ड डोमेन। क्योंकि आगे के जो दो डोमेन थे, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, ये तभी काम करते हैं, ये डोमेन में तभी आप इनके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाते हैं, जब आपका कॉग्निटिव डोमेन पहले फुलफिल होता है। तो कॉग्निटिव डोमेन किसी भी तरीके की आप जो भी चीजें सोचते हैं, फॉर सपोज आपके दिमाग को आइडिया आया, या कोई पजल था, अगर आप उस पजल को सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप कुछ चीज सोच रहे हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल अगर आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, तो वो सारी आपके कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो इस तरह के जितने भी डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हैं, वो सब कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं। और जैसा मैंने कहा कि यही कोर लर्निंग डोमेन है, सबसे कोर लर्निंग डोमेन यही होता है। बाकी दोनों डोमेन, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव कंपोनेंट के ही ऊपर बनते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या है? कोई भी बेसिक कैलकुलेशन, कोई भी बेसिक थिंकिंग, कोई भी जो बेसिक सी जानकारी है, वो आपके कॉग्निटिव डोमेन से शुरू होती है। जब आप बर्थ के बाद, हम सारी बहुत सारी चीजें कंप्रहेंड तो नहीं, बट बहुत सारी चीजें हम देखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हमारे समझ में आने लगती हैं। तो वो क्या है? वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसी में छह तरह के हमारे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, छह उन्होंने लेवल रखे हुए हैं कि किस लेवल के हिसाब से हमारा ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव अगेन हम पढ़ रहे थे, उस ऑब्जेक्टिव में ब्लूम का क्लासिफिकेशन जो है, वो इन ऑब्जेक्टिव को तीन डोमेन के अंदर बताता है कि हम जो अब किसी के स्टूडेंट को जब कोई चीज बता रहे हैं, तो वो किस डोमेन के तहत हम बता रहे हैं, किस डोमेन के अंदर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। और उसी में कॉग्निटिव डोमेन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी छह लेवल है। सबसे पहला लेवल है नॉलेज। नॉलेज से मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखे हुए, तो जैसे कि थ्री कॉमन वेराइटीज ऑफ एप्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई थ्री वेराइटी है एप्पल की, तो वो क्या होगा? केवल एक नॉलेज है। मैंने आपको एक तरह का इंफॉर्मेशन दिया कि ये थ्री वैरायटी है एप्पल की, ये नॉलेज आया। उसके बाद जब थोड़ा और ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो आप उसे कॉम्प्रहेंड करते हैं, कॉम्प्रहेंशन करने की कोशिश। कॉम्प्रहेंड से मतलब क्या है? कि आप उस चीज को समराइज करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो तीन वैरायटी मैंने आपको एप्पल की बताई, वो क्या क्या है, उन वो तीन वैरायटी अलग अलग क्यों है, और वो अलग हैं क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ अलग करेक्टरिस्टिक होगी। तो उन्हीं अलग अलग विशेषताओं को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एप्पल तीन तरह के मैंने आपको बताया, तो वो तीनों में क्या अलग है, और तब आप उनके उस करेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसे पहचानते हैं। तीसरा जो लेवल आता है कॉग्निटिव डोमेन में, वो आता है एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन में जो नॉलेज आपके पास है, उसे आप किस तरह से प्रैक्टिकल यूज में ला सकते हैं, वो एप्लीकेशन है। अभी जब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, तो हम देखेंगे कि वही चीज, हमारा जो नॉलेज है, वो हम किस तरह से हायर एजुकेशन के बाद, जब इंजीनियरिंग या जो मेडिकल तरह के जो कोर्स होते हैं, वहां पे क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, बाद में उस सेम थ्योरी को हम कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो वही एप्लीकेशन है। नाउ इसमें उसी एप्पल के एग्जाम्पल को देखें, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एप्पल
स्कर्वी को प्रिवेंट कर सकता है, जो कि एक डिजीज है कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो क्या ये एप्पल उसको प्रिवेंट कर सकता है? क्या सेब खाने से हमें विटामिन सी हमारा बढ़ सकता है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एप्पल के बारे में पता था, हमें उसके वैरायटीज के बारे में भी पता था, लेकिन हमने यहाँ पे उस नॉलेज को अभी प्रैक्टिकल यूज में लाना चाहा है। प्रैक्टिकल यूज में कि किस तरह से हम उस नॉलेज से अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चौथा लेवल है एनालिसिस। एनालिसिस के मतलब है कि ब्रेक डाउन करना जो चीजें आपने पढ़ी थी अब तक एप्पल के बारे में। फॉर एप्पल केवल एक एग्जाम्पल है, तो एप्पल के बारे में जो जो चीजें आपने फिलहाल इन तीन प्रोसेस के अंदर समझी हैं, उस चीज को ब्रेक डाउन करना और उसको एक इस तरह की रिलेशनशिप में लेके आना कि वो एक ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। फॉर सपोज एग्जाम्पल के लिए, अभी तो आपने इनिशियली एप्पल पढ़ा था, आपको ये नहीं पता था कि एप्पल से आप विटामिन सी को भी फुलफिल कर सकते हैं अगर उसकी डिफिशियंसी आपके पास है। बट आपने देखा कि ये तीन वैरायटी एप्पल की हैं और ये एप्पल खा के विटामिन सी की कमी जो है वो पूरी होती है। तो ऐसे में आपने क्या किया कि उन दो चीजों को, वो जो दो नॉलेज के जो बिट हैं, वो जो दो फैक्ट हैं, उस चीज को आपने एक इस तरह से रखना चाहा एक साथ कि उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। एनालिसिस का मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, उसे आप किन डिफरेंट वे में, किस तरह से आप उसे देख सकते हैं। तो वही है कि फोर वेज ऑफ सर्विंग फूड्स हैं मेड विद द एप्पल्स। अब एप्पल है तो एप्पल किस तरह से दिया जा सकता है? एप्पल का आप जूस पी सकते हैं, एप्पल आप रॉ एप्पल काट के खा सकते हैं, एप्पल का आप मुरब्बा बना सकते हैं या उसका कोल्ड ड्रिंक बनता है। तो ये अलग अलग तरीके के क्या है, ये यूज है। तो यहाँ पे हमने एनालाइज किया कि एप्पल का किस तरह से अलग अलग व्यूज हो रहा है और फिर विच वन हैव द हाईएस्ट हेल्थ बेनिफिट, कि और इनमें से किस तरह से हम एप्पल को खाएं तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये क्या था, एनालिसिस था, जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है उसका। नाउ फिफ्थ पॉइंट है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस क्या है कि जो छोटी छोटी चीज आपने देखी उसको एक होल बनाना, तो एनालिसिस का ही उल्टा है। एनालिसिस में आपने एक जो एप्पल, आप एक नॉलेज का जो आपके पास वो था बिट था, उस नॉलेज के बिट को आपने अलग अलग वे में देखना चाहा कि और किस किस तरह से ये नॉलेज अंडरस्टूड किया जा सकता है और किस किस तरह से इस चीज को समझा जा सकता है। जैसा कि हमने एप्पल के एग्जांपल में देखा, सिंथेसिस में हम उसी छोटे छोटे बिट को एज अ होल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी देखा कि हमने किस तरह से हम एप्पल को यूज कर सकते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है जो काफी अनहेल्दी है। फॉर सपोज मार्केट में एप्पी बिकती है, तो एप्पी क्या है, वो एक अनहेल्दी है क्योंकि उसमें बहुत से प्रिजर्वेंट मिले हुए होते हैं जो नेचुरली आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं होते। तो उसी अनहेल्दी रेसिपी को एक हेल्दी रेसिपी में क्या बदला जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें निकाल के, उसमें एप्पल ही है लेकिन उसमें एप्पल के अलावा और भी कुछ चीजें मिली हुई हैं, तो अगर आप उन्हें निकाल दें तो क्या वो फिर दोबारा से हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा? तो ये सारी चीजें जब आप इतना उसको सोचते हैं, उतना उस किसी एक इंफॉर्मेशन या किसी एक आइडिया पे काम करते हैं, तो ये सिंथेसिस होता है। ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पांचवा लेवल है। इस चीज पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, जो भी आपने अभी तक चीजें याद करी, उन्हें समझा, उन्हें एनालाइज किया, उसके थ्रू आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्रिएट करना होता है। तो अपने डेटा से, अपने इंफॉर्मेशन से, अपने नॉलेज से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश जब आप करते हैं तो वो सिंथेसिस है। और इसके बाद लास्ट स्टेज है इवेल्यूएशन का, कि उसको इवेल्यूएट करना। किसी एप्पल का ही एग्जाम्पल है, तो विच काइंड ऑफ एप्पल आर सुटेबल फॉर बेकिंग अ पाई, तो पाई बनाने के लिए किस तरह के एप्पल सूटेबल रहेंगे, उस चीज को इवेल्युएट करना। कोई भी चीज, कोई भी, किससे, कोई कार है तो किस तरह की कार आपको स्पोर्ट्स, कोई रेसिंग अगर कॉम्पिटिशन है तो उसमें ले जानी चाहिए। बेसिकली बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप सारी कारें नहीं ले जाएंगे, कुछ कार होंगी जो रेसिंग कार के लिए बनी होंगी, रेसिंग कॉम्पिटिशन के लिए अप्रोप्रिएट होंगी। तो इस चीज को इवेल्युएट करना कि कौन सी चीज किस चीज के लिए ज्यादा सूटेबल है, वो आपका इवेल्यूएशन में आएगा। नाउ ये छह के छह लेवल, नॉलेज,
कॉम्प्रिहेंशन, फिर उस नॉलेज का एप्लीकेशन, देन एनालाइज करना, फिर कुछ नया क्रिएट करना जो कि सिंथेसिस है, और फिर इवेल्युएशन। ये क्या है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही लेवल है। तो जब हमने पढ़ा कि तीन तरह के ऑब्जेक्टिव टीचिंग के होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स में कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव या नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जो नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव है वो किस किस लेवल में आते हैं? इन छह लेवल में आते हैं। और ये बहुत ही बेसिक, जब कोई भी चीज पढ़नी शुरू होती है, हम एलकेजी यूकेजी क्लासेस जो होती हैं वो सबसे पहले इन्हीं चीजों पे काम होता है, नॉलेज पे। वहां पे केवल आपको चीजें रटाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। अब इसमें अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी किसी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज समझ में ना आई हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉग्निटिव डोमेन का ही हिंदी की स्लाइड है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, यहाँ पे मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हिंदी की स्लाइड से एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। मिक्स है हिंदी इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इस स्लाइड से नोट्स देख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस स्लाइड को फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये या एक बीच में एक्स्ट्रा मैंने ये स्लाइड डाली है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो मैंने अभी आपको बताई, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को बाद में रिवाइज किया गया है, इसमें थोड़े चेंजेस लाए गए। कई बार हो सकता है कि एग्जाम में वो सेम टैक्सोनॉमी में नॉलेज की बजाय आपसे रिमेंबर लिख दे। अब आप सोचेंगे कि जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो तो नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये नया टैक्सोनॉमी है जिसमें नॉलेज का मतलब रिमेंबर है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे हम चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हम उस इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज हमने याद करी उसका क्या मीनिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग। देन एप्लीकेशन में हम अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल सीधे से ही इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस या इवेल्यूटिंग का यहाँ पे थोड़ा सा जो वो है हायरार्की है वो बदल गई है, क्रिएट ऊपर चला गया है, इवेल्युएट नीचे आ गया है। तो पहले हम नया जो टैक्सोनॉमी है उसमें इवेल्युएट करते हैं, एंड देन हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट का मतलब सिंथेसिस से ही है, तो ये जो सिंथेसिस था ये यहाँ पे ऊपर चला गया है क्रिएटिंग बनके, और ये इवेल्युएशन अब पांचवें लेवल पर आ गया। तो ये ब्लूम का ही नया रिवाइज टैक्सोनॉमी है। अगर दोनों आप याद रखिए, क्वेश्चन में ज्यादा चांसेस ये है कि नेट के पेपर में यही चीज यही आपको दिखेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिवाइज चीजों पे ध्यान देते नहीं है, और इसके चांसेस हैं फिर भी आने के। तो दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा डेटा याद रखने वाली चीज नहीं है, सिंपल से आपको ये आप रिलेट कर लेंगे। तो हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा, नेक्स्ट जो है वो है अफेक्टिव डोमेन। ये बहुत ही सिंपल सा डोमेन है, इमोशन बेस्ड डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में हमने देखा किस तरह से अलग अलग लेवल थे, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जब आप इनिशियली उसको देखते हैं, एक बार में आपको समझ में ना आए मे बी, तो आप उसे दो तीन बार देखिए। बट अफेक्टिव डोमेन बहुत ही सिंपल है। अफेक्टिव डोमेन से मतलब है कि कोई भी सिचुएशन पे, किसी भी कंडीशन पे आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन, चाहे वो सिचुएशन आपसे डायरेक्टली रिलेटेड हो या नहीं हो, उसमें आपका इमोशनली रिएक्ट क्या होता है वो आपका अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्ट मतलब कि किसी चीज से आपको क्या असर पड़ता है, अफेक्ट का मतलब कोई चीज आपको किस तरह से प्रभावित करती है। आपका इमोशनल रिएक्शन किसी सिचुएशन, किसी के कोई काम के प्रति क्या है, वो अफेक्टिव डोमेन है। इसमें आपका एटीट्यूड, आपका मोटिवेशन, आपका विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, कितना आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम टीचिंग की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, इस एंगल से हम इस चीज को देख रहे हैं, तो आप कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लर्निंग में, वो चीजें, स्टूडेंट कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, क्या वो वैल्यू करते हैं किस चीज का, ये सारी चीजें हमारे अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। हमारा एटीट्यूड, हमारा इमोशन, हमारी फीलिंग्स, ये इनका डेवलपमेंट हमारा अफेक्टिव डोमेन में आता है। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं आजकल जो नया वर्ड है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हमारा अफेक्टिव डोमेन में आता है। इसमें
रिसीविंग सबसे पहले कि विलिंगनेस टू लर्न, रिसीव करना, किसी की दूसरे की बात को रिसीव करना, हम कितने ज्यादा विलिंग हैं किसी दूसरे को सुनने को, क्या हम किसी दूसरे की सुनना चाहते हैं या हम खुद की बात कर रहे हैं। तो वो पहला इसका पॉइंट है, विलिंगनेस टू लिसन, दूसरे की बात को ध्यान से सुनना। देन विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, फिर उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना, जो चीज आपने सुनी उस पर रिस्पॉन्ड करना। किसी ने आपसे कोई चीज कही, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर की, किसी ने आपसे अपना कोई वाक्य शेयर किया, या टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो उसने आपसे कोई क्वेश्चन किया या आपको कोई प्रॉब्लम उसने बताया, तो उसमें आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और रिस्पॉन्ड करने का मतलब ही पार्टिसिपेट करना है। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उस कन्वर्सेशन में, उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, वैल्यूइंग, उस चीज का वैल्यू करना, उसमें इन्वॉल्व होना, ये तीसरा पॉइंट है। जो डिस्कशन या जो भी चीज, जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें कितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो वैल्यूइंग है। चौथा है ऑर्गेनाइजिंग, एक एडवोकेट करना, टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि कोई आइडिया आपके किसी डिस्कशन या किसी प्रॉब्लम या किसी क्वेश्चन को लेके आपके दिमाग में जो आंसर है, जो आइडिया है, उसको आप कितना ज्यादा एडवोकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का बताता है कि आप कितने तटस्थ नहीं है, आप कितने इंडिफरेंस नहीं है। सपोज कोई एक बात हुई, कोई एक आंसर एक क्वेश्चन का आया, आप उस आंसर से सहमत नहीं है, तो क्या आप उस आंसर को, उसके खिलाफ अगर आपको लगता है कि वो गलत है, तो क्या आप उसको गलत बताने के लिए तैयार रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो विलिंगनेस टू बी एडवोकेट ऑफ आइडिया, अपने किसी आइडिया को, किसी आंसर को एडवोकेट करना, उसके 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 समर्थन में पक्ष रखना, उस चीज का पक्ष लेना किसी भी एक आइडिया का, वो चीज ऑर्गेनाइजिंग होती है। और लास्ट जो अफेक्टिव डोमेन का पॉइंट है वो है करेक्टराइजेशन, आई मीन विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। नाउ इसके बाद अगर आपको लगता है आपने जो आंसर दिया या आपका जो अभी तक आइडिया था, जो आपका बिलीफ था किसी एक चीज के बारे में, आप एक किसी किसी भी कुछ भी इश्यू था उसके बारे में आपकी एक सोच है, बट इतना कॉन्वर्सेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, आप उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हुए, आपने अपनी बातें सामने रखी, आई मीन आपने उसे एडवोकेट किया अपने आइडिया को, इसके बाद अगर आपको लगता है कि मे बी जो आपका उस पे टेक है, उस इश्यू पे आपका जो व्यू पॉइंट है वो सही नहीं है, तो क्या आप विलिंगनेस है टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, क्या आप अपने उस आइडिया को चेंज कर सकते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बात यहाँ पे सही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए क्या उस चीज को दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं जो चीज सही है। तो यह है करेक्टराइजेशन, विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ। हिंदी में यही आग्रहण, रिसीविंग, किसी को सुनने की इच्छा, रेस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देना, सहभागिता उसमें, वैल्यूइंग, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, वैल्यू लगाना, उसमें इन्वॉल्व होना, देन संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग, मैंने आपको कहा कि आइडिया को अपने एडवोकेट करना, और अगर उस चीज में अगर आपको लगता है कि कोई चेंज लाने की जरूरत है, आप पार्शियली गलत हो सकते हैं या फिर आप पूरी रूप से गलत हो सकते हैं, तो आपको अपने उस आइडिया में या किसी भी चीज में, पूरी लर्निंग की प्रोसेस, टीचिंग की प्रोसेस के दौरान आपको कोई चेंज लाने की जरूरत है, तो ये क्या है, करेक्टराइजेशन है। ये चीज को अगर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लीज इसे ध्यान रखते हुए चलिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव, कि टीचिंग कोई भी चीज अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमने पढ़ा कि उसके कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव में जिसमें हमने पढ़ा कि वो चीजें नॉलेज बच्चे को एक रिमेंबर हो, उसके रिमेंबरिंग, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, वो चीज उसे समझ पाए, वो उसके अलावा एनालाइज करवाए, अप्लाई कर पाए, उसका वो इवेल्युएशन करवाए, जो चीज उसने अप्लाई की क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ, एंड देन उसमें कुछ नया क्रिएट कर पाए, सिंथेसिस। तो ये सब चीजें कॉग्निटिव डोमेन में आ जाती हैं। अफेक्टिव डोमेन में क्या आता है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आप किसी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, किसी भी जो आपका पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों की सहभागिता, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन, ये तभी होता है जब आप उस चीज से में इंटरेस्टेड हो, और यही अफेक्टिव डोमेन है। तो टीचर का क्या काम है कि वो, हमने पहले भी पढ़ा कि जो टॉपिक है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करे। तो ये था अफेक्टिव डोमेन, इससे कोई भी अगर आपको समझ में कोई पॉइंट, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो अगेन आप लिख दिएगा, मैं यहां से क्वेश्चन लेते रहूंगा।
सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JNU एंट्रेंस, सो इज इट बेनिफिशियल फॉर मी? विशाल कुमार राय, सी विशाल, JNU के एंट्रेंस में आई गेस रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं. मुझे पता नहीं कि आप एमए के क्वेश्चंस के लिए, एमए के कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं. PhD के जो एंट्रेंस है उसमें तो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में भी उसमें नहीं आते, लेकिन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके क्वेश्चन उसमें डायरेक्टली आते हैं. तो वहाँ पे वो यूनिट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. टीचिंग एप्टीट्यूड आई डोंट थिंक कि JNU के पेपर में पूछा जाता है, बट अगर आप इसी के साथ साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेनली हमारा जो ये यहाँ पे मोटो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का या इस पूरे कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो है नेट के पेपर वन के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम उसमें गेन कर पाए. किरण कुहार कह रही है सर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग किरण मैंने जैसे कहा कि विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, कोई आइडिया आपके पास है, कोई भी एक मुद्दा है उसके बारे में आपकी सोच है, उसके बारे में आपका एक कोई आपका एक टेक है कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या आप उसके एडवोकेट करेंगे? फॉर सपोज यूक्रेन रशिया का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपका अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो मे बी आपका कोई ना कोई टेक होगा कि कौन सा साइड यहाँ पे सही है, अगर कोई सही है तो. अगर हो सकता है कि दोनों में से कोई भी सही ना हो, बट अगर कोई साइड सही है या कौन सा ज्यादा सही है तो वहां पे आपका कोई ना कोई एक टेक होगा. तो ऐसे में क्या आपका जो वो टेक है, वो जो आइडिया है, उस वो जो आपका सोच है उस मुद्दे के बारे में, उसको आप एडवोकेट करने के लिए विलिंग करते हैं? किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने का मतलब ही है कि जब आप कोई भी चीज डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी कोई हम अगर पढ़ते हैं सपोज फार्म लॉस थे, तो फार्म लॉस के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे होते तो आपका या तो टेक होता कि फार्म लॉस सही है, या फिर आपका टेक होता कि फार्म लॉस सही नहीं है. तो ऐसे में आपका जो भी टेक है, क्या आप उसको एडवोकेट करना के लिए तैयार हैं या नहीं है, वो ऑर्गेनाइजिंग है. क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप के पास वो सारी चीजें एक वे में, आपके जो आइडिया है वो तैयार हो, तब वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास सिस्टमैटिक तरीके से आपके दिमाग में हो. जब आप उन्हें कन्वर्ट, सी कोई भी चीज चाहे आप वर्बली बताएं या लिख के बताएं, वो आप तभी पॉसिबल है जब आपके पास वो जो आंसर है, वो जो आइडिया है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में आपके दिमाग में है. जो चीजें हमारे दिमाग में सिस्टमैटिक या ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होती, वो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते. इसीलिए सी आप देखेंगे आंसर राइटिंग, हम कहते हैं कई एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो इंपॉर्टेंट होता है क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग आपको अपने आंसर्स को, अपने आइडियाज को, अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना और सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना और क्लासीफाई करना सिखाता है. और वो जब होता है तभी आप उसको ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं. वही ऑर्गेनाइजिंग हम यहाँ पे रख रहे हैं कि क्या आपके दिमाग में जो आपके आइडियाज हैं वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में है, और वो है तभी आप अपने आइडिया को एडवोकेट कर पाएंगे, अपने जो बात है उसको उसके पक्ष में कुछ चीजें रख पाएंगे. ये ऑर्गेनाइजिंग था, आई थिंक ये क्लियर हो गया हो. इफेक्टिव नहीं है, अफेक्टिव डोमेन है. इससे क्वेश्चन किस तरह के होते हैं कवि, हम अभी आगे देखेंगे. इसके बाद यस सर आई विल अपेयर नेट JRF, या नेट JRF के एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है. अगला डोमेन है जो साइकोमोटर डोमेन, उसके बारे में हम जल्दी से डिस्कस करते हैं. तो साइकोमोटर डोमेन मेनली कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, कोई भी किसी भी तरह की टेक्निकल स्किल, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, आप कार चलाना सीख रहे हैं, आप वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं, या आप एयरप्लेन उड़ाना सीख रहे हैं, किसी भी तरह का जो टेक्निकल स्किल है वो आपका साइकोमोटर डोमेन में. टेक्निकल स्किल क्यों साइकोमोटर डोमेन लास्ट में है? क्योंकि टेक्निकल स्किल आप तभी सीख सकते हैं जब आपको बेसिक नॉलेज हो. आप एयरप्लेन चलाना सीखेंगे जब आपको एयरप्लेन के बारे में कुछ थ्योरेटिकल बेसिक नॉलेज हो. तो साइकोमोटर डोमेन कॉग्निटिव डोमेन के ही ऊपर बनता है. आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं.
कि साइकोमोटर डोमेन कंसर्न है किस चीज से, कोई भी टेक्निकल स्किल के एक्विजिशन से किसी भी तरह का। इसमें सबसे पहले ये एक पांच इसके लेवल है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं साइकोमोटर डोमेन के, ये पांच लेवल में होते हैं और बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि गिटार बजाता है। सपोज आपको कोई टीचर गिटार सिखा रहा है, तो आप उसको देखने की कोशिश करेंगे, आप उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। इमिटेशन पहला लेवल है, आप उस चीज को क्या करने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे, आप देखेंगे कि गिटार बजा कैसा रहा, उसका जो राइट हैंड है वो ऊपर फ्रेट्स पे है, उसका जो सॉरी राइट हैंड जो है वो नीचे उसके टो को पकड़ा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड है वो फ्रेट्स पे है। तो उस चीज को आप इमिटेट करने की कोशिश करेंगे। और तो वही चीज है कि जब कोई चीज, जब एज अ टीचर जब आप कोई भी स्किल सिखाते हैं तो आप उसे करके दिखाते हैं। एज अ टीचर जब आप किसी स्टूडेंट को गिटार बजाना सिखा रहे हैं तो आप उसे गिटार बजा के दिखाएंगे। एक स्किल पर्सन के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, इट इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय अ स्किल पर्सन एंड द लर्नर ट्राइज टू फॉलो द सेम। जो लर्नर, जो स्टूडेंट होगा वो उसी चीज को इमिटेट करने की कोशिश करेगा। दूसरा मैनिपुलेशन, जब वो थोड़ा सा देख पा रहा है तब वो उसमें क्या करेगा कि वो एक्सपेरिमेंट करने की, आप गिटार सीख रहे थे टीचर ने आपको दिखाया सिखा के, अब आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप हो सकता है उसमें उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट्स में देखें तो गिटार इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को मैनिपुलेट करके गिटार बना, या गिटार जिस तरह से पहले बजाया जाता होगा आज उस तरह से नहीं बजाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसमें क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। देन तीसरा प्रिसीजन, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके सीखते हुए आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। प्रिसीजन का मतलब है एक्यूरेसी। तो फिर आप क्या करेंगे कि अलग अलग एक्ट उस चीज पे बजा पाएंगे प्रैक्टिस के साथ साथ, धीरे धीरे से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। हम बात कर रहे हैं किसी भी स्किल की, गिटार जस्ट एन एग्जांपल है। कोई भी टेक्निकल स्किल जब आप सीख रहे हैं तो पहले आप उस चीज को क्या करते हैं, आप देखते हैं कि दूसरा बंदा जो सामने आपको दिखा रहा है, सिखा रहा है, वो कैसे उसे कर रहा है, आप उसी को नकल करने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे आप उस चीज में थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं लगातार ताकि आपको एक्यूरेट हो जाए आप उस स्किल में। चौथा आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन है कि एक डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के द्वारा लगातार एक आप एक उस लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे पहुंचना चाहते हैं जो आपका टारगेट है। आप चाहते हैं कि मैं उतना परफेक्ट होना चाहता हूं उस स्किल में, कोई भी स्किल वो हो सकती है। एंड पांचवा है नेचुरलाइजेशन, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत लंबे समय तक उस स्किल को करते करते, उस चीज पे काम करते करते आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो सारी चीजें नेचुरल हो जाती है। नेचुरलाइजेशन से हम कहते हैं कि कई जो एक्टर होते हैं वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं, क्योंकि उस चीज को लगातार एक पॉइंट ऑफ टाइम तक करते करते वो उस चीज में इतने ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, इतना ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं कि वो चीज नेचुरली अब उनसे निकल ली होती है। तो स्किल जो है वो इंटरलाइज्ड हो गई है, अब आपके अंदर आ गई है वो पूरी तरह से, अब आपको उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसी जो स्टेज परफॉर्मर होते हैं, वो स्टेज परफॉर्मर इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि वहां पे स्टेज में उनसे गलती नहीं होती है मोस्टली, क्योंकि वो सारी चीजें वो वहां पे लगातार चेंज कर रहे हैं, वो रैंडमली कुछ भी बजा रहे हैं, उन्होंने वो सोचा भी नहीं है और वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो नेचुरली उनके अंदर से निकल रहा है। तो इंडिविजुअल आफ्टर नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि आप अडेप्ट कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं, कोई रैंडमली हाथों हाथ आप कोई भी नया डिजाइन, कोई नई टेक्निक आप डिजाइन कर लेते हैं, या कोई नया मेथड आप क्या बोलते हैं डिजाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नेचुरलाइजेशन एक लास्ट फेज होता है किसी भी स्किल को सीखने का, कि आप इतने ज्यादा नेचुरल हो जाते हैं। फॉर सपोज आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो इनिशियली आप बाइक देखते हैं कि आपको जो बाइक चला रहा है वो किस तरह से सिखा रहा है, कि वो किस तरह से चला रहा है, देन आप उसमें आपके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आप लगातार प्रैक्टिस के बाद उसको अच्छे से चलाना सीख जाते हैं, देन आप उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करते करते आप उसमें एफिशिएंट हो जाना चाहते हैं। और नेचुरलाइजेशन है कि जब आपको बहुत आपको ध्यान भी देना पड़ रहा है और आप बहुत ही नेचुरली बाइक चला रहे हैं। तो ये किसी भी स्किल को, चाहे वो कोई भी टेक्निकल स्किल हो, उसको सीखने के ये लेवल है। इसी लेवल को आप, यही आप हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब आप एज ए टीचर, अगर आप गिटार टीचर हैं, आपको आप किसी को गिटार सिखा रहे हैं, तो आप इसी लेवल के हिसाब से काम करते हैं। आप इनिशियली उसको इमिटेशन के थ्रू सिखाते हैं, देन आप उसे मैनिपुलेशन को बोलते हैं, देन आप उसको प्रिसीजन लाने को बोलते हैं, एक्यूरेशन लाने को कहते हैं, फिर आप उसे कहते हैं कि वो कुछ आर्टिकुलेट करे, उसमें अपने कुछ आइडियाज डाले प्रैक्टिस के थ्रू, और फिर एक लेवल के बाद वो नेचुरल हो जाता है उसके लिए। तो आई होप ये साइकोमोटर डोमेन ये बहुत ही ईजी था, ये आपको समझ में आ गया हो।
हिंदी में भी सेम वही चीज है कि प्रतिरूपता इमिटेशन करना, देन लगातार प्रैक्टिस के बाद मैनिपुलेशन हस्त कौशल, फिर उसमें परिशुद्धता मतलब प्रिसीजन लाना, लगातार बार बार करने से उसमें काफी सुधार आता है, और फिर सतत अभ्यास के बाद एक स्पष्ट अभिव्यक्ति, आप जो करना चाहते हो वही आप करते हैं, आप गिटार बजाते हुए जो आप ट्यून बजाना चाह रहे हैं वही आप बजाएंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी, और नेचुरलाइजेशन में वो फिर आपके लिए एक तरह से नेचुरल है, आपको उसमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। तो ये साइकोमोटर डोमेन की लेवल ऑफ टीचिंग है। नाउ ये हमारा ब्लूम का टैक्सोनॉमी था, जिसमें उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है उसको तीन डोमेन में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन में डाला है। इसके अलावा गैगने एंड ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा कि दो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेम है, एक तो ब्लूम का मेन था और दूसरा ये गैगने एंड ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल जो ब्लूम वाली चीजें हैं उसी को इन्होंने एक अलग 5 कैटेगरीज में डाल दिया है। पहले इंटेलेक्चुअल स्किल, जो कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, जिसमें कि किसी चीज को लर्न करना, किसी चीज को कॉन्सेप्ट को लर्न करना, कोई रूल याद करना या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आती है वो इंटेलेक्चुअल स्किल है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, जिसमें कि मेथड और टेक्निक फॉर वंस ओन लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग एंड थिंकिंग स्किल, अब आप खुद के सीखने के लिए खुद कुछ याद, इसके लिए आप कुछ नए मेथड या टेक्निक्स क्या बोलते हैं डिवाइस करते हैं, तो आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं। तीसरा वर्बल इंफॉर्मेशन, जिसमें कि जो बॉडीज ऑफ नॉलेज है दैट एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स, वर्बल इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज। मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि कोई भी चीज आप वर्बल किस उसको कह पा रहे हैं या फिर लिख पा रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब वो नॉलेज आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइज वे में तैयार है। अगर वो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक में भी नहीं है तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। तो वर्बल इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। देन मोटर स्किल्स, दे आर बेसिकली अबाउट मोशन कैरीज आउट व्हेन द ब्रेन नर्वस सिस्टम एंड मसल वर्क टुगेदर। तो मोटर स्किल्स में जब आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन और आपके मसल्स एक साथ काम करते हैं, वो कोई भी टेक्निकल स्किल्स हो सकती है, तो वो मोटर स्किल्स के अंदर वो आ जाते हैं। और एटीट्यूड, जो कि हमारा अफेक्टिव डोमेन हमने अभी डिस्कस किया, एक इंटरनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, वो आपका इंटरनल स्टेट है, वो चीजें बाहर से पता नहीं लग रही है। अफेक्टिव डोमेन में हमने जो डिस्कस किया था वो यही एटीट्यूड डिस्कस किया था। तो सेम चीज है, केवल आपको ये याद रखना है, इनमें कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने ऐसी चीजें नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि वो आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे देगा और कुछ एक उसमें एक ऑप्शन गलत होगा, 3 सही होंगे, वो आपसे कहेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो गैगने और ब्रिक्स के क्लासिफिकेशन के लेवल नहीं है, इनमें से कौन सा उसके कैटेगरी में नहीं आता है। तो आप ये 5 कैटेगरी याद रख लीजिए। वही ये यहाँ पे हिंदी में, देन करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग, जब टीच इसके हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या हमारे प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं टीचिंग अगर हम कर रहे हैं तो। नाउ तीसरी चीज है करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। सी टीचिंग डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर होती है, अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से मेन 3 लेवल टीचिंग के होते हैं। ये टेक प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट में, कोई ये क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, कभी हमारे पास ओपन एनवायरनमेंट होता है, कभी हमारे पास इस तरह से ऑनलाइन एनवायरनमेंट होता है, तो बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट में ये टीचिंग जो होती है ये टेक प्लेस होती है। देन क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, अब जो टीचिंग है वो रिलेटेड है एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से एंड ट्रेनिंग से, ऑफकोर्स इसमें बहुत ऑब्वियस सी चीज है। देन एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, आर्ट है एज वेल एज साइंस, टीचिंग एंड आर्ट भी है, साइंस भी है, इसके कुछ मेथड है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वहीं इसके कुछ आपके इसमें कुछ क्रिएटिविटी होती है। तो जहां पे इसमें क्रिएटिविटी वाला एंगल होता है वहां पे टीचिंग एक आर्ट है, और जहां पे इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके कुछ मेथड हैं, वो वहां पे टीचिंग साइंस है। देन इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ को ले जाती है। सोशल सर्विस है टीचिंग एक, इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, होते हैं इसमें कई लेंथी पीरियड्स ऑफ स्टडी और ट्रेनिंग टीचिंग में होते हैं। देन इट हैज़ अ हायर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी टीचिंग में बहुत ज़्यादा होती है, ये मेरा एक तरह से
मैं अपने लिए, मैं आउट ऑफ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं किस तरह से आपको कोई चीज पढ़ाता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ, देन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। टीचिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक प्रोफेशन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं थी कि इसके डिफरेंट लेवल हैं, डायनेमिक एनवायरनमेंट में ये होता है, ये लर्निंग एजुकेशन ये सारी चीज़ से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये कला भी है और विज्ञान भी है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाता है, सोशल सर्विस है। इसके अलावा इसमें लेंथी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टडी होता है, इसमें ऑटोनोमस आपके पास हाई लेवल ऑफ ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंस आपके पास होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये एक पेशा है, प्रोफेशन है। नाउ कमिंग टू द लेवल्स ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लगातार बनते हैं। अभी तक अगर आपको कोई भी चीज इन तीनों चीजों में जो हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक, इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कोई कंफ्यूजन, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ओके, सो लेवल ऑफ टीचिंग को हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि टीचिंग के बहुत अलग अलग लेवल होते हैं, इससे पहले हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में देखा था कि टीचिंग के कई लेवल होते हैं। मेनली टीचिंग के तीन लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे बेसिक लेवल मेमोरी लेवल होता है, जब हम बहुत छोटी क्लासों में होते हैं तो हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग काम करता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है जब हम हायर सेकेंडरी या फिर उसके बाद कॉलेज में आते हैं, देन उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग आता है। तो स्टार्ट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से हम देखेंगे। इसके प्रोपोनेंट को आप जरूर इनका नाम याद कर लीजिए, हर्बर्ट मेन प्रोपोनेंट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, कई बार वो डायरेक्ट नाम पूछ देता है। सबसे इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होती है, इसमें रोट मेमोराइजेशन होता है। LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में हमें केवल जो फैक्ट होता है वो याद कराए जाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि कंट्री का कैपिटल क्या है, या हमें साइंस के फैक्ट याद कराए जाते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें याद कराया जाता है, तो रोट मेमोराइजेशन के जो हैबिट है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपको जब उस तरफ से कोई टीचर की तरफ से जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तब हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। आप खुद से कुछ नहीं पढ़ रहे होते, जब आप बहुत ही छोटी क्लास में होते हैं तो आप खुद से कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं, जो चीज़ें आपको क्लास में टीचर के थ्रू इंस्ट्रक्शन से बताई जा रही हैं उसी का रिस्पॉन्स करते हैं। तो टीचर के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टिमुलस है, और उसके बाद आप जो उसको रिपीट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो आपका रिस्पॉन्स स्टिमुलस है। आपने उसका आंसर दिया तो वो रिस्पॉन्स है। तो SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस है वही मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे टीचर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है। फोर्थ चीज है कि इट एनेबल्स द लर्नर टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्न मटीरियल वेन एवर रिक्वायर्ड। तो इसमें आपको रिटेन करनी होती है चीजें, जो भी चीजें आपको मेमोराइज कराई गई हैं, जो भी फैक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताया गया वो आपको रिटेन करना है, और आपको रिप्रोड्यूस करना है जब भी रिक्वायर्ड हो। इससे क्या मतलब है कि आपको एक क्लास में बताया गया, आपको आपके अलग अलग स्टेट्स की कैपिटल बताई गई, अगले दिन टेस्ट था उसमें आपसे उन स्टेट्स की कैपिटल पूछी गई, तो वहां पर आपको उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करना है। पहली क्लास में आपने रिटेन किया था, उसको याद किया था, अब आपको वापस कॉपी में उसका आंसर लिखना है। Whenever required मतलब कि जब भी आपका टेस्ट हो। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से आपको इस लायक बनाया जाता है कि आप नॉलेज को, फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकें और उसे फिर जब भी जरूरत हो रिकॉल कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें। उसके अलावा इवेल्यूशन सिस्टम में ओरल, रिटन एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इनिशियल जो क्लासेस होती है उसमें टीचर ओरल टेस्ट ले लेते हैं,
वो आपसे क्लास में आपको खड़ा करके वन बाय वन हमसे चीजें पूछते हैं। ये रिटन टेस्ट होते हैं जिसमें मेनली ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के ज्यादा टेस्ट होते हैं, और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन भी होते हैं। तो ये भी इस चीज को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार वो टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन पूछ लेता है कि इस टाइप के एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली किस लेवल ऑफ टीचिंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैप्ड है, ऐसे टाइप या रिटन एग्जामिनेशन हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल में भी मिलेंगे, बट फिर भी आप इसे ध्यान में रखिए। देन उसके बाद गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, रैपिडिटी इन रिकॉलिंग, एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायरेबल कंटेंट्स टू द कॉन्शियस लेवल। तो कोई भी गुड मेमोरी में क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, कि एक तो लर्निंग काफी रैपिड हो, हम जल्दी जल्दी चीजों को सीख जाएं, हम उसे रिटेन कर पाएं। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेन का मतलब ये नहीं कि अभी हमने कुछ पढ़ा हमारे वो दिमाग में है, कुछ टाइम बाद वो हमारे दिमाग में नहीं रहा, तो वो जो हमने रिटेन किया वो स्टेबल हो, वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे दिमाग में उसी तरह रिटेन रहे। देन रिकॉल करने में रिटेनिंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो हमें होता है रिकॉल करने में। चीजें हमने पढ़ी होती है बट एग्जैक्ट टाइम पे जब हम उसकी जरूरत होती है हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। तो ये चीजें कोई एक गुड मेमोरी का ये साइन होता है कि वो उस चीज को रिकॉल भी उतनी ही जल्दी कर पाती है जब उसे जरूरत होती है। और चौथा है एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल। सी, जब हम आंसर लिखते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में किसी एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं और हम उसे या तो उतनी जल्दी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, और इसलिए हमारा आंसर जो होता है वो उतना परफेक्ट आंसर नहीं बन पाता है। तो एबिलिटी टू ब्रिंग ओनली डिजायरेबल कंटेंट, जो उस क्वेश्चन के हिसाब से डिजायरेबल कंटेंट है, केवल उतना जितना उस क्वेश्चन में जरूरी है, उसी को आप कॉन्शियस लेवल पे अपने लेके आए और रिकॉल कर पाए, और उसके बाद उसी चीज को आप कॉपी में रिप्रोड्यूस करें, अपने आंसर में लिखें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी कोई भी गुड मेमोरी, कोई भी एक अच्छी मेमोरी के ये चार साइन होते हैं कि वो बहुत जल्दी सीखती है, वो मेमोरी से हम बहुत ज्यादा बहुत काफी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम रिटेन कर पाते हैं, बहुत जल्दी से हम उसको रिकॉल कर पाते हैं वो जो रिटेन्ड इंफॉर्मेशन है, और केवल उतना ही अपने कॉन्शियस माइंड में लेके आना जितना हमें उस टाइम जरूरत है। उस कॉपी पे, उस आंसर पे, उस क्वेश्चन का उतना ही आंसर लिखना जितना कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये चारों ही एक गुड मेमोरी के साइन होते हैं। तो ये था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो कि हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, जिसमें बहुत ही प्रारंभिक चरण इनिशियल स्टेज की टीचिंग है। इसमें मेनली हम मेमोराइजेशन करते हैं रोट लर्निंग के थ्रू, स्टिमुलेट रिस्पॉन्स, मैंने आपको कहा कि हमें कोई एक इंस्ट्रक्शन मिलता है टीचर की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। इसके अलावा रैपिडिटी इन लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, कॉन्शियस लेवल पे अपनी जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको लेके आना, वो एक गुड मेमोरी के साइन है। और छठी चीज कि इसमें जो इवैल्यूएशन होता है, कोई भी बच्चे का जो टेस्ट होता है, स्टूडेंट का टेस्ट होता है, वो ओरल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, और फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन भी उसमें हो सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के जो मॉरिसन है वो मेन प्रोपोनेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। देन इसमें मेमोरी प्लस इंसाइट है, यहाँ आपने आपने चीजें याद भी करनी है लेकिन उसके अलावा उसको अंडरस्टैंड भी करना है, उसको कॉम्प्रिहेंड भी करना है। तो इसमें केवल मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, केवल चीज को याद ही नहीं कर लेना है, उसके अलावा उस चीज को उसका क्या मीनिंग है उसको भी समझना है, इसलिए मेमोरी प्लस इंसाइट। देन इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट, तो कोई प्रिंसिपल आपने पढ़ा उस चीज को समझ कि वो प्रिंसिपल क्यों काम कर रहा है, प्रिंसिपल को याद कर लेना वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का पार्ट था, बट उस प्रिंसिपल को याद करना और उस चीज को समझना कि वो प्रिंसिपल किस कंडीशन में काम करता है और क्यों काम करता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का पार्ट है। तो जनरलाइजेशन को समझना, जनरलाइजेशन से मतलब है कि कोई सिचुएशन अगर आती है तो उस सिचुएशन में किस तरह के प्रिंसिपल्स काम करते हैं, या कोई एक प्रिंसिपल है, कोई एक प्रॉब्लम है, वो किसी एक फॉर्म में अनदर कोई एक फॉर्म में वो एक तरह से काम कर सकती है, कोई दूसरी सिचुएशन में वही जो आपका आइडिया है वो दूसरी तरह से काम कर सकता है। तो इस चीज को समझना कि आप जनरल किसी भी आइडिया को, किसी भी फैक्ट को जनरलाइज करना, उस चीज को अप्लाई करना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। चौथा है प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इस लेवल पर आके, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे आके आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है।
मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे आप केवल चीजें याद कर रहे थे, यहाँ पे आप उसे इंटेलेक्चुअली एक्सरसाइज कर पाते हैं। इसके अलावा पांचवा है कि एक एक्टिव रोल प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी फॉर द एसिमिलेशन ऑफ फैक्ट। तो फैक्ट के एसिमिलेशन के लिए एक तरह का एक्टिव रोल अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप अब क्या कर रहे हैं कि चीजों को एप्लीकेशन बेस्ड पे समझ के काम कर रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट है इवेल्यूएशन सिस्टम, कि इसमें इवेल्यूएशन किस तरह से होता है। तो इसमें टेस्ट में ऐसे टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ये था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेंशन कर दीजिएगा। हिंदी में भी सेम वही है कि मॉरिशन इसके प्रोपोनेंट है। तो केवल रोट मेमोराइजेशन नहीं है, मेमोरी प्लस इंसाइट है। इसमें हम अलग अलग प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, न्यूटन का चाहे वो लॉ हो या वो टीचिंग के लॉ, जिस तरह से हम अभी ऑब्जेक्टिव्स या टीचिंग के जो हम वो पढ़ रहे हैं फॉर प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, केवल याद नहीं करते। इसके अलावा इसमें जो इवेल्यूएशन होता है वो शॉर्ट आंसर्स हो गए, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। नाउ लास्ट जो लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जो प्रोपोनेंट थे वो कौन थे? हंट। ये तीनों ही नाम, हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देता है कि हर्बर्ट किस लेवल ऑफ टीचिंग से जुड़े हुए हैं, मॉरिसन किस लेवल ऑफ टीचिंग से जुड़े हुए हैं और हंट किस लेवल ऑफ टीचिंग से जुड़े हैं। तो इन तीनों को आपको याद रख लेना है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, आरएलटी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, जो कि एमएलटी और यूएलटी के बाद होता है और उन दोनों को ही इंक्लूड करता है। अभी तक आपने चीजों को याद किया है, उसे समझा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उसके बारे में और ज्यादा सोचते हैं। जो सिंथेसिस और जो इवेल्युएशन वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में ही आता है। देन ये प्रॉब्लम सेंटरिंग अप्रोच फॉर टीचिंग यहाँ पर होती है। टीचिंग की जो प्रॉब्लम सेंटरिंग अप्रोच, आपको प्रॉब्लम टीचिंग के दौरान अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के तहत जो आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में होता है, हायर जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कोई फैक्ट या कोई इंफॉर्मेशन देने की बजाय आप वहाँ पे एक प्रॉब्लम, कोई एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सेंटरिंग अप्रोच होता है और अलग अलग स्टूडेंट्स के थ्रू आप एक सही आंसर पर आने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है कौन सा, ये हायर एजुकेशन का है, जो हमारा कॉलेज या जो रिसर्च से रिलेटेड जो हमारा जो टीचिंग है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे आता है। देन द स्टूडेंट्स आर अज्यूम टू अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच, यहाँ पे वो आ गया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिसर्च अप्रोच को, रिसर्च की वो अप्रोच करते हैं। ये इसके फोर चार मेन थे कि हंट ने इसको प्रोपोनेंट किया है, हंट इसके मेन प्रोपोनेंट है, इसमें यूएलटी और एमएलटी दोनों इंक्लूड होते हैं, प्रॉब्लम सेंटरिंग अप्रोच है और एक तरह का रिसर्च अप्रोच। आप जो भी प्रॉब्लम आपके पास है उस चीज पे आप बहुत डीपली रिसर्च करते हैं। जो वर्टिकल टीचिंग की हमने बात की थी वो वर्टिकल टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की जो स्टेज होती है वहां पे जो एनवायरमेंट टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, क्लासरूम एनवायरमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा ओपन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो टीचर सेंटर्ड जो लर्निंग चलती है, मेमोरी लेवल एमएलटी जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वहाँ चीज़ें होती है, जो बातें टीचर कहता है, जो टीचर बताना चाहता है वही चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। यहाँ पे एक ओपन और इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट होता है, तभी प्रॉब्लम डिस्कस की भी जा सकती है। इसके अलावा द एम इज टू डेवलप रिफ्लेक्टिव पावर्स ऑफ लर्नर सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ बाय रीजनिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन एंड लीड सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ्स। पावर को डेवलप करना ही इसका मेन एम है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का, ताकि जो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह कोई एक एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसके अलावा हो सकता है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को वो रीजन के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सके, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन जो एम होता है वो होता है किसका, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। देन द पीपल्स ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्राइमरी प्लेस होता है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम सामने रखते हैं, वो अपने आइडियाज सामने रखते हैं, टीचर वहां पे सेकेंडरी हो जाता है, टीचर केवल एक तरह का फैसिलिटेटर होता है उस पूरे डिस्कशन में, वो एक तरह का मॉडरेटर होता है। देन यहाँ पे इवेल्यूशन, अगेन इवेल्यूशन के लिए
ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे कॉलेज में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हम उनके आंसर लिखने होते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट ही लिए जाते हैं क्योंकि केवल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं तो वहां पे फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते थे जैसा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर एमएलटी लेवल पे होता है, बट क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है यहाँ पे आइडियाज का डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ऐसे टाइप टेस्ट यहाँ पे इवेल्यूशन का मीडियम होते हैं। सो ये था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो अभी हमने इसमें तीनों लेवल जो एमएलटी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और आरएलटी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग था, इसे कंप्लीट किया। इसमें एमएलटी जो होता है वो सबसे बेस पे होता है, उसके ऊपर जो होता है वो होता है यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और टॉप पे जो हमारा बनता है वो बनता है आरएलटी, एक तरह का पिरामिड बनता है। इन तीनों आप इन सारी चीजें अभी तक टीचिंग में जो पहला सेगमेंट था उन्हें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट था, टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव थे, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर उसके अलावा उसके लेवल क्या हैं, अलग अलग लेवल टीचिंग के हमने पढ़े। तो पहली यूनिट में यही है, इसके बाद जो सेकेंड यूनिट आती है उसमें हम आगे लर्नर्स की एंगल से पढ़ेंगे कि कैसा लर्नर्स का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। ये अभी जो हमने कहा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। 2019 का जो पेपर वन था उसकी पहली शिफ्ट में ये पूछा गया कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसमें किस में एम्फेसिस होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसका जो आंसर है इसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कौन से पॉइंट हटाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एम्फेसिस इन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, ये सही है क्योंकि टीचिंग में मेमोरी लेवल टीचिंग पे हम थॉट्स और आइडियाज को ही ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। देन सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फ्रेंड्स, नाउ फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे आ जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे नहीं। तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो बी वाले जो होंगे ये तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद तीसरा है आंसर यहां पर आ रहा है कहीं कि ए है, कुछ डी है, बट ए और सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, अब दो बचे हुए हैं। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, अभी हमने पढ़ा मेमोरी लेवल में कि किस तरह से हमें गुड मेमोरी में हमने पढ़ा कि जल्दी से रिप्रोड्यूस करना, रिटेन करना और रिप्रोड्यूस करना, तो ये भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का ही एक पॉइंट है। तो आंसर वैसे एक तरह से देखा जाए तो आपको यहीं पर मिल जाता है जहाँ पे सी, क्योंकि इन दोनों में से केवल बी ऑप्शन में ही है, बट इसको पूरा अगर हम देखें
तो क्रिटिकल थिंकिंग ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे नहीं होता है ऑफ कोर्स। तो ए और जिसका सी था वो तो, सी और डी जिसने दिया तो वो तो ऑलरेडी उसे ये देखना चाहिए कि आपको सीधे सीधे एलिमिनेट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई एक छोटा सा छोटी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उसको केवल फैक्ट्स याद कराए गए, तो ये तो दो ऑप्शन वैसे ही गलत है। देन ई, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स एंड देन सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अदर। नाउ फैक्ट्स से रिलेटेड है तो ये तो मेमोरी लेवल में हमने पढ़ा कि वहाँ पे हम मेनली फैक्ट्स पे ही काम करते हैं, सेग्रीगेट करने का काम हम वहाँ पे नहीं करते हैं, सेग्रीगेट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। तो ये एफ जो है वो इसमें नहीं होगा, ई सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स ये हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पे आता है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टू सेट्स गिवन बिलो, सेट वन प्रोवाइड्स द डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, व्हाइल सेट टू गिव्स द एग्जांपल एंड कंसर्न्स, मैच द टू सेट्स एंड द सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस टू इंडिकेट योर आंसर। इसमें जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी से उन्होंने क्या दिए हुए, कुछ लेवल दिए हुए अलग, और सेट टू में एग्जाम्पल और कंसर्न्स दिए हुए, तो इन दोनों को मिलाना है किस लेवल से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सी, इसमें मेमोरी लेवल अगर हम देखें, सी पहले आप केवल ए को मिलाने की कोशिश कीजिए कि ए किससे मिल रहा है। मेमोरी लेवल अभी हमने पढ़ा था कि रिटेन करना और रिकॉल करना, तो इंफॉर्मेशन रिकॉल करना मेमोरी लेवल का है। आपको आंसर यहीं पे मिल गया क्योंकि ए जो है वो थर्ड का केवल ऑप्शन डी में है, बट इसको पूरा देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो आइडेंटिफाई करना किसी भी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल रिलेट नहीं हो रहा तो आप बाकी के दो देखिए, आप क्रिएटिंग पे देखिए, तो क्रिएट करना मतलब कि जनरेट करना, क्रिएटिंग लेवल तो जनरेटिंग न्यू आइडियाज, और एनालाइज करना मतलब कि आइसोलेट करना इंफॉर्मेशन इंटू पार्ट्स। अभी हमने इससे पहले जब हम एनालाइज कॉग्निटिव डोमेन वाला पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने 6 लेवल पढ़े थे, इसमें हमने एनालाइजिंग पढ़ा था, तो उसमें हम आइसोलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स करते हैं, और तो यहां से भी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि ये बी का एक ही ऑप्शन बचा, आइडेंटिफाइंग एग्जांपल्स ऑफ अ गिवन कॉन्सेप्ट। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन आज ये हिंदी में नहीं हो पाए, बट आगे से हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन हिंदी में भी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन इसमें हम ले आएंगे। नाउ थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अभी हम जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े टीचिंग के, उसमें कौन सा जो सेट है वो इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। 6 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हुए हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। आप लोग अगर कोई इसका आंसर देना चाहता है तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। यहां पे भी बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बी वाला देखें तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये बिल्कुल गलत है। टीचिंग और ट्रेनिंग इन दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस होता है, तो आप बी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब किन किन में बी है, ए और बी, ये दोनों ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इनमें बी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन, ये जरूरी नहीं है कि टीचर कोई बड़ा व्यक्ति आपसे जो सीनियर हो वही हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो इसको भी आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी दोबारा और डी भी एलिमिनेट हो गया,
सी बचा हुआ है, पहले तो ये तीनों ही एलिमिनेट हो गए, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर जो होगा वो सी होगा इस, बट फिर भी ए सी और एफ, इसमें अगर ए देखे तो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, ये सही है। सी है, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट, बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा कि एक डिजायर्ड चेंज लाना मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी तरह की टीचिंग हो, वो एक तरह का चेंज लाना चाहती है जो स्टूडेंट्स है उनमें। और एफ है कि टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, ये भी सही है। टीचिंग एक सोशल एक्ट है क्योंकि वहां पे एक टीचर है और एक लर्नर है जो मिलके किसी चीज पे काम कर रहा है, किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर एज लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, आप सीख आप अपने खुद से भी सकते हैं या सीख आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी सकते हैं। तो टीचिंग एक सोशल एक्ट है, लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है क्योंकि लर्निंग में आपको सेल्फ स्टडी दिख जाती है, सेल्फ स्टडी का ऑप्शन आपके पास है, तो जहां पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो आपका पर्सनल एक्ट है, तो इसलिए एफ भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे, ये assertion और reason के question है, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं बट नेट के पेपर वन में इस तरह के काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपको काफी काम करना है। ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, तो हर टीचिंग का जो एम होता है वो कहीं ना कहीं लर्निंग एश्योर करना होता है। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा वो हमने पढ़ा कि कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हमने इससे पढ़ा कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, तो यहीं से हमें पता लगे कि ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, कि टीचिंग किसी भी तरह की हो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ दूसरे व्यक्ति को जिसको जिसके लिए टीचिंग की जा रही है उसे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए वो की जाती है। तो ऑप्शन ए सही है, जो असर्शन है वो सही है। रीजन, ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, जो सभी किस्म की जो आप चीजें सीखते हैं वो आप किसी के द्वारा सिखाने के कारण सीखते हैं या टीचिंग के अध्यापन की वजह से सीखते हैं। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जरूरी नहीं है, मैंने अभी इससे पहले बताया कि लर्निंग सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आ सकता है, वहां पे कोई टीचिंग नहीं होगी, वहां पे आपको कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, तो रीजन जो है वो गलत है। नाउ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। तो जिन जिन ने ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में लिखा था आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पहले यही क्वेश्चन नवंबर 2017 के नेट पेपर वन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बस उन्होंने जो लैंग्वेज है उसे बदल दिया, ऑप्शन भी सेम है, ऑप्शन भी सेम है, उसी सिक्वेंस में ऑप्शन रखे गए। जो यहाँ पे ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, यहाँ पे तो ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग, यहाँ पे ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग जो कि सही है। एंड लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव फ्रॉम टीचिंग, सेम वे में लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग जो कि गलत था, तो यहाँ पे ये गलत है कि लर्निंग जो है वो मस्ट बी डिराइव फ्रॉम टीचिंग, जरूरी नहीं है कि लर्निंग टीचिंग से ही डिराइव हो, ये सेल्फ स्टडी से भी डिराइव हो सकती है, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2017 वाला क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, तो हमने लेवल ऑफ टीचिंग अभी पढ़े, इनमें से कौन सा जो है वो लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं है, एक प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग में नहीं आता है, इन चारों में से कौन सा? डी, डी इसका सही आंसर है, क्योंकि हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये तीनों ही लेवल अभी पढ़े, डिफरेंशिएशन लेवल ऑफ टीचिंग नहीं था,
तो ये इसका ये नहीं है, नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग डिफरेंशिएशन, तो डी इज द राइट आंसर। तो ये आज के इस क्वेश्चन थे, अभी मैंने इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किए क्योंकि पहला ही क्लास था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्लास था, तो इसमें बेसिक सी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी इसके अलावा अभी और काफी क्वेश्चन हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेसन आपको समझ में आ गया हो, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसके थ्रू आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं, अपना कोई भी क्वेरी या कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो तो उसको आप बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको रिजोल्व करेंगे। और इसके अलावा जो पेड ग्रुप है उसका, उसी में जो इसकी पीडीएफ है वो मैं, जो पीपीटी है वो मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, तो एज जिसमें हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चंस तो आज हिंदी में नहीं है बट बाकी जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो उसमें मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। और जो बच्चे इसके अलावा पेड ग्रुप में नहीं थे उनके लिए एक अलग से ग्रुप है जिसका मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस टेलीग्राम पे ही वो ग्रुप है, उसमें मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप अभी पेड ग्रुप में नहीं है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पहली यूनिट के जो सारे नोट्स होंगे और जारे सारे जितने भी लेक्चर का जो भी वीडियो होंगी, जो भी लेक्चर का टाइमिंग होगी और जो भी नोट्स होंगे वो उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।